मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 20 जुलाई 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी और खुशखबरी के साथ। अब लगभग ये फाइनल हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई 2023 को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे। राजस्थान के सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त जारी होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया। हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। इस घटना ने राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बड़ी बात यह है, आरोपी कोई और नहीं इन्हीं के परिवार का सदस्य है। आरोपी मृतक मुखिया पूनाराम के बड़े भाई का लड़का है। मृतक परिवार के बड़े पिता के पुत्र पप्पू राम बेरड़ को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। हत्या के पीछे जमीनी विवाद और चाचा भतीजे की दुश्मनी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार सो रहा था, भतीजे ने 6 महीने की मासूम बच्ची सहित पूरे परिवार की हत्या कर दी, फिर शवों को आग लगा दी। घर के आंगन में एक साथ 4 जले शवों को देख कर गाँव वालों के होश उड़ गए। बड़ी खबर यह भी है, इस घटना के बाद ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं, मुझ पर भी पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है। दिव्या ने कहा, इससे आप समझ सकते हैं प्रदेश की स्थिति क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 15.5 लाख कृषि कनेक्शनों में से 4.5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में हर माह 2000 यूनिट फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। बड़ी खबर यह है, जिन किसानों के कुएं या ट्यूबवेल में 15 हॉर्स पावर से ज्यादा का पंप लगा हुआ है और उनका 2000 यूनिट से ज्यादा का बिल आता है तो उन्हें बिल चुकाना होगा। दरअसल जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर के कई किसान इस छूट के दायरे से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां भूजल का लेवल नीचे होने की वजह से किसान 20 HP से लेकर जोधपुर में तो औसतन 25 HP से ज्यादा क्षमता के बिजली कनेक्शन चला रहे हैं। हालांकि इन किसानों को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, जिन कृषि उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगा हुआ है लेकिन खराब होने के कारण औसत बिल भेजा जा रहा है, इन किसानों को भी छूट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इनको 2000 यूनिट फ्री बिजली का फायदा नहीं मिलेगा। और जिन किसानों के ट्यूबवेल में 15 हॉर्स पावर से ज्यादा का पंप लगा हुआ है और उनका 2000 यूनिट से ज्यादा का बिल आता है तो उन्हें भी बिल चुकाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर सीकर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और एक नया सर्कुलेशन बनने की भी संभावना है, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय रहने से अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि जोधपुर बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में 20 से लेकर 25 जुलाई के दौरान मानसून सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश हुई है और यह बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक चलेगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए आज यानी कि गुरुवार से टमाटर 70 रुपए प्रति किलो में बेचेगी। दिल्ली, राजस्थान, यूपी के कई शहरों में टमाटर सस्ते मिलेंगे। दरअसल आपको बता दूं, कई बड़े शहरों में सरकार ने स्टॉल लगाए हैं जहां पर सस्ते टमाटर दिए जा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसियों और NCCF को सस्ते दर पर टमाटर बेचने की जिम्मेदारी मिली है। सरकार के इस फैसले से बाजार में टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं, कई शहरों में टमाटर 250 रुपए किलो पहुंच गया है। हालांकि ग्रामीण लोगों को अभी भी महंगे टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब बिना मंजूरी मेले लगाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा करने पर आयोजकों को अब 1 साल तक की सजा और जुर्माना होगा। मेला प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा होगी।
मेलों के दौरान अगर एक्सीडेंट या भगदड़ में किसी की जान जाती है तो आयोजक को कम से कम 2 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि जितने भी बड़े मेले लगते हैं उनके लिए मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी मेले लगाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। यही थी फिलहाल प्रदेश और देश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।